फाइनली आप दुनिया का सातवां अजूबा देख रहे हो, लेकिन भाई साहब अलग ही लेवल की डिजाइन, अलग ही लेवल की कारीगरी यहाँ पे की गई है। ताजमहल को मुगल के पांचवें सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था, और यहाँ से हमने एंटर किया उसको बोलते हैं रॉयल गेट। व्हाइट ताजमहल है, किसी दिन येल्लो में बदल जाएगा। पॉल्यूशन के चलते धीरे धीरे मार्बल्स धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो फिलहाल हमारी ट्रेन हावड़ा से निकल चुकी है। सो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। तो फिलहाल मैं हूं अभी हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस में, और मैं जा रहा हूं आगरा के ताजमहल के दीदार करने। अब जैसा कि आपको पता होगा कि ताजमहल सेवन वंडर्स में से एक आती है, तो उसके दीदार करने के बाद वैसे मेरा मेन मकसद था मथुरा की होली सेलिब्रेशन करने के लिए मैं जा रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा जब वहां पर जा ही रहा हूं तो क्यों ना आगरा के ताजमहल के दीदार कर लिया जाए। तो आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ एक नई जर्नी में। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, इस जर्नी को कंप्लीट करूँगा, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई मथुरा की होली खेलने के लिए और आगरा के ताजमहल को देखने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाली सारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलते इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल बाहर में आ गया हूँ मंडी के तरफ में, और वहाँ पे देखो बोर्ड लगा हुआ है ताजमहल इसी साइड में। यहाँ से ऑटो स्टैंड से हमें ताजमहल की ऑटो मिल जाएगी, और यहाँ से तकरीबन 12 मिनट लगेंगे हमें ताजमहल पहुँचने में। और पहली बार आगरा आ रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी चहल पहले सुबह, और यहाँ मुस्लिम भाई लोगों की रमजान। ताजमहल का कितना है प्राइस? ओके 15 से 20 रुपये लगेंगे। ताजमहल जाना है आगे, और मैं बोल रहा था कि यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई लोग की रमज़ान चल रही है, इसलिए काफ़ी चहल पहल है। मैं सुबह में तकरीबन पहुँच गया था 6 बजे के लगभग, और वहाँ से मैंने टुंडला जंक्शन पे, और टुंडला जंक्शन से फिर मैं आया आगरा फोर्ट के पास में, और आगरा फोर्ट से अभी हम लोग पहले जाएंगे ताजमहल देखेंगे, और ताजमहल देखने के बाद हम लोग फिर वृंदावन निकल जाएंगे। तो भाई हमने तो ऑटो ले लिए यहाँ से, यहाँ से मेट्रो भी जाती है, तो आते वक्त शायद मैं मेट्रो लूँगा। अभी ऑटो मिल गई रास्ते में तो मैंने ऑटो पकड़ लिया, 10 रुपये ले रहे चार्जेस ताजमहल पहुँचाने के लिए। यहाँ से तकरीबन कितना किलोमीटर है भैया ताजमहल? 3 किलोमीटर बस, ज़्यादा नहीं, आगरा स्टेशन से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ताजमहल पड़ती है। तो फाइनली मैं ताजमहल के पास में आ गया हूँ, और गेट पे ही उन्होंने मुझे ये दिया शूज़ कवर। इन्होंने बोला कि अगर आप ताजमहल के ऊपर जाओगे यानी मार्बल को देखने के लिए तो आपको ये कवर लगेंगे, अदरवाइज़ अगर आप बाहर में देखते हो तो आप ऐसे नॉर्मल शूज़ से घूम सकते हो, लेकिन अगर आप अंदर जाओगे तो शूज़ कवर प्लास्टिक की होती है, 10 रुपये ले रहे हैं, तो शूज़ में लगा के आप ऊपर जा सकते हो। तो कुछ ऐसी गली है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी। तो भाई काउंटर से हमने टिकट कटा ली है जिसके चार्जेस पड़ी 250 रुपीज़। अगर आपको सिर्फ ताजमहल के बाहर में जाना है तो 50 रुपीज़, और अंदर में अगर आपको जाना है एंटर करना है तो उसके 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। वैसे फॉरेनर के यहाँ पे चार्जेस है 500 या 1100 रुपीज़ है, और हम लोग इंडियन लोग के लिए 50 रुपीज़, और अंदर जाने के लिए 200 रुपीज़, और जो सार कंट्रीज़ हैं उनकी 540 रुपये ऐसे कुछ है। मैं चार्ट आपको दिखा दूंगा कि कौन सी कंट्री के कितने चार्जेस है। फिलहाल ये रहा मेरे फ्रंट में ताजमहल का एंट्री गेट, और यहाँ पर देखो मुगल के द्वारा बनाए गए मकबरा टाइप का पूरे यहाँ पर ऐसे बने हुए हैं। वेलकम टू ताजमहल वेस्ट गेट एंट्री, शायद और भी गेट है इसके एंट्री के, और इसकी ओपनिंग टाइमिंग है 6 बजे, और टिकट की जो वैलिडिटी होती है वो 3 घंटे ही होती है, उसके बाद ये टिकट वैलिड हो जाता है, तो इसीलिए ये ध्यान रखना आप। तो चलते हैं एंटर करते हैं। तो दोस्तों एक प्रॉब्लम हो गई, जैसे हमने एंटर किया तैसे ही पता चला कि हमारी ये जो बड़ी बैग है ना इसे अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो एंट्री गेट से थोड़ी दूरी पर यहाँ पर बैग जो यानी लगेज आपके पास है वो जमा कर सकते हो। तो अमरदीप क्या कहना चाहेगा लॉकर के बारे में जो हमने लिया अभी? सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं बीप के बच्चे। भाई साहब क्या हुआ पता है, मैंने लॉकर जब लिया तो यहाँ पे एक अलग ही सिस्टम है। सिस्टम है कि अगर आप एक लॉकर ले तो उसकी चार्जेस नहीं है, उस लॉकर में आप जितने बैग रखोगे पर बैग की 20 रुपये चार्जेस है। मैंने बोला हाँ ये क्या चार्जेस है भाई, मैं तो हर जगह जाता हूँ तो हर जगह लॉकर की चार्जेस होती है। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बोला नहीं यहाँ पे लॉकर आप एक लोगे लेकिन उसके अंदर अगर आप 4 बैग रखते हो तो उसके 80 रुपये लगेंगे। तो वही बात है कि सब लूट रहे हैं हमें, पागल बना रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग ताजमहल के अंदर एंटर कर चुके हैं, यानी ताजमहल के मेन ग्राउंड के अंदर, और स्टार्टिंग में ये देखो ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, यानी ये जो एंट्रेंस है एंट्रेंस गेट काफ़ी अच्छी लग रही है।
और यहाँ पर देखो जो मकबरा दिख रहा है हमें, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है भाई साहब, क्या डिज़ाइन है, जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? दूर से यहाँ पर देखो ताजमहल का गुंबद दिख रहा है, अभी अंदर भी जाएंगे। वैसे हम लोगों ने टिकट कटा लिए अंदर भी घूमने की, लेकिन अंदर जहाँ तक यहाँ के स्टाफ ने बोला कि वीडियो नहीं बनाने दिया जाएगा, अगर होगा तो लूँगा। तो चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों मैं इस मकबरे के बाहर खड़ा हूँ और मैं इसकी डिज़ाइन देख रहा था, बनावट देख रहा था भाई, एक अलग लेवल की आर्किटेक्चर है, इन्होंने कैसे बनाया हुआ इतना खूबसूरत। सच बताऊँगा जो रियल में दिख रही है ना, एक्चुअल में वीडियो में इतनी खूबसूरत नहीं दिखती है एंट्रेंस जो है, लेकिन एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर देखो मैं पास से दिखाता हूँ आपको। नाम क्या? संजीव जायसवाल ब्लॉग। कैसा लगा आप लोग को ताजमहल? कहाँ से हो भैया आप लोग? हरियाणा। हरियाणा से? अच्छा, फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्या? हम लोग भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जा रहे हैं मथुरा। तो भाई साहब देखो यहाँ पर ये वाइटिश जो डिज़ाइन है, वाइट मार्बल के ऊपर जो डिज़ाइन बनाई गई है, और यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिखी गई है। अब जिन्हें उर्दू पढ़ना आता है वो हमें बता देंगे कि कमेंट करके कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन भाई साहब अलग ही लेवल की डिज़ाइन, अलग ही लेवल की कारीगरी यहाँ पे की गई है। यहाँ पर देखो पूरे डिज़ाइन बनाए गए हैं पत्थरों पर। तो चलते हैं अंदर की तरफ भाई। यहाँ से देखो ताजमहल कितना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर देखो अंदर में बड़ा सा गुंबद है इसके अंदर में, और ये कुछ ऐसा अंदर बनाया गया जिसके अंदर हम लोग अलाउड नहीं है जाने का। और यहाँ से देखो फाइनली आप दुनिया का सातवां अजूबा देख रहे हो, ये रहा आपके सामने ताजमहल। दोस्तों एक अलग ही लेवल की यार, वाइट मार्बल में बनी है ताजमहल, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। पास में भी जाएंगे और अंदर में जाएंगे, कुछ ज़्यादा ही टूरिस्ट लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ठीक मेरे पीछे ताजमहल है, और ताजमहल के बारे में थोड़ा कुछ बता दूं कि ताजमहल को मुग़ल के पांचवें सम्राट शाहजहां ने बनाया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में, और इसी के अंदर उनकी यानी जो बेगम है मुमताज़ उसका मकबरा है, और शाहजहां का भी मकबरा इसी के अंदर है। और दोस्तों ताजमहल के अंदर 22 कमरे हैं, और ये 22 कमरे एक दूसरे से एकदम अलग हैं, यानी अगर आप एक कमरे में हो तो दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। और इस ताजमहल के चारों तरफ 4 पिलर्स है, देखो एक पिलर, दो पिलर, इसके पीछे एक पिलर है और एक पिलर इधर, यानी टोटल 4 पिलर हैं। और कहा जाता है कि ताजमहल को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें भूकंप का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसे ऊंट के ऊपर या कुछ ऐसा बनाया गया इसका जो आर्किटेक्चर है कि इसका भूकंप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और ताजमहल के बारे में पूरे डिटेल से जानना है, यानी इसके हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जानना है, तो यहाँ पे गाइड भी मिलते हैं जिसके चार्जेस है 350-400 रुपये इंडियन के, अब फॉरेनर के 500 या 1000 रुपये उससे ऊपर ही होंगे जितना ये लोग फॉरेनर से ले लें। तो दोस्तों अपने शूज़ को कवर कर लिया ताकि ताजमहल में एंटर कर सकूं, यहाँ पे कंपलसरी ये कवर को पहनना, क्योंकि जो भी शूज़ की गंदगी होगी वो ताजमहल के वाइट मार्बल को ख़राब ना करे। और मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हो ये एक्चुअल में मस्जिद है, और इसके ठीक सामने वहाँ पर इस ताजमहल के पीछे में सेम टू सेम मस्जिद है। लोग सोचते हैं कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये मस्जिद है जो कि सिर्फ मुस्लिम लोग इसके अंदर जा सकते हैं, और वो गेस्ट हाउस है, वहाँ पर शाहजहाँ के जब यानी गेस्ट लोग आते थे तो वहाँ पे वो लोग रेस्ट करते थे। और वो जहाँ से हमने एंटर किया उसको बोलते हैं रॉयल गेट, और हमने जो एक्चुअल में जहाँ से टिकट लेके एंटर किया था वो था वेस्ट गेट, और ये है रॉयल गेट, यानी शाहजहाँ के जो रॉयल्स गेस्ट आते थे सब लोग इधर से ही एंटर करते थे। और इसका साउथ में एग्जिट गेट है, यानी वहाँ से सिर्फ एग्जिट कर सकते हैं, और इसके ईस्ट में है फॉरेनर लोग के लिए और नॉर्मल जो पीपल होते हैं उनके लिए। यानी यहाँ पर ताजमहल में 4 गेट बनाए गए थे, तो हर गेट की अपनी अपनी एक खासियत है कि इस गेट से ये लोग आ सकते हैं, इस गेट से ये लोग आ सकते हैं, तो ऐसा कुछ था भाई। अब शाहजहाँ एक मुग़ल सम्राट था तो उसकी जो फैसिलिटीज़ अपने गेस्ट के लिए जो खातिरदारी होगी वो भी तो रॉयल हुई होगी ना। और दोस्तों ये रही यमुना रिवर, और यमुना रिवर के ठीक सामने बना है अपना प्यारा और बहुत ही खूबसूरत ताजमहल। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि यमुना रिवर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो क्या होता है कि यमुना रिवर के पॉल्यूशन के चलते जो ताजमहल की वाइट मार्बल है ना वो धीरे धीरे यानी हल्का येलो कलर हो जा रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करती है इसको मेंटेन करने के लिए और यमुना रिवर को भी क्लीन रखने के लिए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो अपना जो वाइट ताजमहल है किसी दिन येल्लो में बदल जाएगा, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो कि देना चाहिए, क्योंकि भाई सातवां अजूबा है और बहुत सारे टूरिस्ट लोग इसको देखने के लिए आते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर इसी में ही कुछ ख़राबी होगी तो अपना प्रॉब्लम होना टूरिज़्म में। तो इसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। भाई अपने तो निक्को पार्क में भी ऐसा ताजमहल बना हुआ है ना,
निको या इको पार्क में? इको पार्क में। इको पार्क में अपने इको पार्क में भी इंडिया का छोटा ताजमहल बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। यहाँ पर देखो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है ना ताजमहल, इसलिए इसमें क्रैक आ गया मार्बल्स में। यहाँ पर देखो काफी ज्यादा क्रैक आ गए हैं, वॉल में भी क्रैक आ गई है। जैसा कि हम न्यूज में भी सुना था ना कि पोल्यूशन के चलते धीरे धीरे मार्बल्स धीरे धीरे खराब हो रहा है, तो यहाँ पर देखो क्रैक आ जा रहा है पूरा। हाँ पूरा क्रैक आ जा रहा है। मुख्य मकबरे के अंदर फोटोग्राफी मना है, तो यहाँ से हमारा कैमरा होने वाला है ऑफ, अब यहाँ से कोई वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो ये एंट्रेंस है, अब इसके अंदर जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों सामने जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हो, इसी के अंदर मुमताज का मकबरा है। अंदर से कुछ ऐसी बनावट है यहाँ पर, यहाँ से हम लोग आए अभी उसके अंदर ही। देखो यहाँ पर जो जाली बनी हुई है उसके अंदर ही मुमताज का और शाहजहाँ का मकबरा है। मकबरा शाहजहाँ का फ्रंट में है और मुमताज का एकदम बीच में है। आपने वीडियो में देखा होगा, मैं छोटा सा क्लिप मैंने दिखाया। दोस्तों ताजमहल को देख के आ गया बाहर, काफ़ी खूबसूरत था, दुनिया का सातवां अजूबा। और ऐसे ही लोग इसकी तारीफ नहीं करते हैं, आज मैंने यकीन कर लिया और अमरदीप को भी आज यकीन हो गया ना भाई, बहुत खूबसूरत। ऐसे लोग फेंकते हैं कि नहीं क्या जाओगे उतना, पहले लगता था कि हाँ। मतलब नॉर्मल सा कुछ होगा, बट सामने से देखोगे ना काफी खूबसूरत है। तो फिलहाल इसी के साथ करता हूँ इस ब्लॉग को खत्म, क्योंकि अभी हमें मथुरा भी निकलना है, वृंदावन की होली भी सेलिब्रेट करनी है। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।